बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो हूँ इस सूटकेस का जो है बना रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कवर आसानी से बना के अपने सूटकेस को जो है सेफ रख सकते हैं। तो चलें फिर मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। ऊपर का जो एरिया है उसको हमने नापना है और यहाँ तक जो है ना 12 इंच है, ये देखिए, और इस तरह से तकरीबन 22 इंच है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है इस हैंडल की जगह की, तो हैंडल की जगह को भी हम नापेंगे। तो ये तकरीबन जो है हमारी 8.5 इंच है। जब हम इसको बनाने के लिए मोड़ेंगे, सिलाई करेंगे, तो ऑलरेडी वो थोड़ा सा इधर खिसक गया। इसकी लंबाई है तकरीबन 4 इंच, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है हम जब ऊपर का हिस्सा बनाएंगे तो इसको कट कर लेंगे, जैसा कि मैंने ये काट के रखा है। फिर मैंने जो है ना घर में रफली जो कपड़ा रखा हुआ था उसका बनाया है, आपकी मर्जी, आप नया कपड़ा ला के भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह इंची टेप को हम चारों तरफ से लेके और यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। तकरीबन ये 59 इंच है, तो हम इसको पूरा 61 इंच से ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊँगी, तो वो सिलाई में चला जाएगा। ज़्यादा लूज होने से भी ना ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं 1 इंच बढ़ाऊँगी। सब जो पूरा घेरा है उसमें मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया, तो 60 इंच ये तकरीबन बन रहा है। अच्छा, फिर बारी आती है इसके टोटल लंबाई की, यहाँ से नीचे तक की। तो ये तकरीबन 27 इंच है, ठीक है। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 इंच बढ़ा देंगे, तो ये 28 हो जाएगा। तो चले फिर मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये ऊपर का टुकड़ा है, ये देखिए। तो अब हम ये वाला जो हैंडल का हिस्सा है इसका हमने नापा था, तो इसको हम अब काट लेंगे। इसको किस तरह से काटेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे, इसके सेंटर पे हम निशान डाल देंगे। ये कॉटन है तो इस पर आराम से निशान आ जाएगा। तो आप चाहें तो चौक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर, ठीक है, इसका सेंटर हो जाएगा। और अब हम इस पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसका देखिए, ये हिस्सा हम कट कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो हमने काट लिया है उसको सी लेते हैं। इस तरह से हमने सी लिया है और अब हम जो है वो चारों तरफ से इसकी सिलाई करेंगे उस कपड़े की। तो अच्छा, ये वो कपड़ा है जो हम चारों तरफ से सीएंगे, तो इसके पहले मैं नीचे का घेरा मोड़ लेती हूँ। तो मैंने ये सब तरफ से सी लिया है इस तरह से। तो अब जो है हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ, चारों तरफ जोड़ेंगे इसके। तो चलिए मैं जोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने ख़त्म की है, कटिंग की है, इसके यहाँ पर रख के सिलाई शुरू करेंगे हम। अच्छा जी, जब हमारा यहाँ पर एंड आ जाएगा, कि देखिए ये वही जगह है जो हमने हैंडल के लिए मोड़ी थी, तो अब हम यहाँ से जो है सी लेंगे। ये खुद ब खुद बिल्कुल ठीक बैठेगा हैंडल का। तो पहले हम इसको सिर्फ एक कपड़े पर चला लेंगे, हैंडल की कटिंग वाला कपड़ा नीचे है। तो देखिए, हैंडल वाले कपड़े का जो है यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। अब हम इसको घुमाकर बंद कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने चारों तरफ घुमाया है। अब जो ये हमने सिलाई की थी ना, इसको अब हम मोड़ेंगे। वो जो हमने खाली कपड़े पे सिलाई की थी, इसको अब हम मोड़ेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमारा ये कपड़ा तैयार हो चुका है। चलिए आए इसको सूटकेस पर डालकर देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सूटकेस का जो कवर है वो कितना अच्छा बना है। देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, ये देखिए। अब बारी आती है इसके नीचे जो टायर्स हैं, इसकी मेजरमेंट ऐसी होगी कि टायर वाला हिस्सा है उसको हम नहीं ना उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमने सिर्फ इस स्क्वायर को ही करना है। तो ये 12 इंच है,
और यहाँ से सिर्फ हम टाई का हिस्सा छोड़ के करेंगे, ये तकरीबन 15 इंच है। तो अब मैं इसका कपड़ा काट के आपको दिखाती हूँ। तो जी कपड़ा तैयार हो चुका है, ये देखिए, ये बिल्कुल टायर से हटकर सिर्फ कपड़े में सिला जाएगा। इसको इस तरह से सियेंगे। अच्छा, एक तरफ से जो है ना, इसमें या टिच बटन लगाना है या आपकी मर्जी है आप वेलक्रो लगा ले या जिप लगा ले, मैं इसमें वेलक्रो लगाऊंगी। तो ये एक तरफ से सिया जाएगा और एक तरफ से जो है वेलक्रो या फिर टिच बटन लगाई जाएगी। तो चलिए फिर मशीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका सेंटर लेंगे, ठीक है। इसका सेंटर लेने के बाद हम उस पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। ये इसका हो गया सेंटर, ये देखिए इसका सेंटर देख लेते हैं। अच्छा, इसका भी हम क्या करेंगे कि पूरा जो है ना, इसका देखें इस तरह से लेंथ ले लेंगे और इसका जो है सेंटर होगा ना, डबल करेंगे इसको लंबाई में। ये इस तरह से हम डबल करने के बाद इस पर निशान लगा देंगे आगे पीछे, ये देखिए इस तरह, इसी तरह से, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब जो है ना, इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इस पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इस दोनों सेंटर को हम मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ सी देंगे इसे जहाँ तक है। चलिए सिलाई करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अब हम इस वाले सेंटर पे जो है वेलक्रो लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने वेलक्रो लगा लिए हैं इस पर कपड़े पर और इस तरह से हम, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको सूटकेस पर इसको चढ़ा के और बिल्कुल पैक करके दिखाती हूँ। तो देखिए, नीचे का कुछ इस तरह से ये कपड़ा होगा और वेलक्रो वाला हिस्सा ये देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको कवर का स्टाइल सीना सिखाया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और नए देखने वाले सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।